हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव डिस्कस द चैप्टर सेकंड, एक्सरसाइज 2.2 ऑफ सिक्स क्लास मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इज द सम ऑफ द टू इवन नंबर एंड इवन नंबर वेरीफाई विद टेकिंग द होल नंबर्स, वेरीफाई विद द होल नंबर्स। हमने क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले एग्जाम्पल की हेल्प से हमने उसको, जैसे 6 + 8 इवन नंबर प्लस इवन नंबर दोनों को ऐड करके चेक किया, 14 हमारे पास क्या आ गया, इवन नंबर। ऐसे ही 10 + 12 10 + 12 22, 10 इवन नंबर्स, 12 इवन नंबर्स एंड 22 आल्सो इवन नंबर्स, इट मींस 12 + 14 12 इवन नंबर, 14 इवन नंबर एंड 26, दोनों को ऐड किया आपने, 26 इवन नंबर। इट मींस इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हो तो इवन नंबर ही रिजल्ट आता है, इवन में इवन ऐड करोगे तो इवन ही रिजल्ट आएगा यहाँ पर। थर्ड एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पर दिखा इवन प्लस इवन इवन नंबर, दिस इज शोज दैट द सम ऑफ द टू इवन नंबर इज अ इवन नंबर। इवन नंबर को ऐड करोगे तो हमारे पास इवन नंबर ही आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में, इज द सम ऑफ द एनी टू ओड नंबर एंड ओड नंबर, गिव द एग्जांपल इन सपोर्ट योर आंसर। अब इसमें हमने शो करना है कि टू ओड नंबर को ऐड करेंगे क्या ओड नंबर ही आएगा। जैसे एग्जांपल में हमने लिया है 7 + 9, 7 ओड नंबर है, 9 हमारा ओड नंबर है, ओड नंबर में ओड नंबर को ऐड किया, 9 + 7 = 16, इवन नंबर आया हमारे पास। 3 + 5, 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, दोनों को ऐड किया, 8 आया, 8 हमारा इवन नंबर है। 13 + 7, 13 ओड नंबर है, 7 ओड नंबर है, दोनों को ऐड किया क्या आ गया, 20 हमारा क्या हो गया, इवन नंबर आ गया। बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो ये है कि ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करते हैं तो ओड नंबर ही आता है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई हमारी। तो इट मीन्स ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है हमारे पास। दिस ही शोज दैट द सम ऑफ द टू ओड नंबर इज नॉट ए ओड, सम ऑफ द टू ओड नंबर इज इवन। अगर आप टू ओड नंबर को ऐड करते हो तो रिजल्ट हमारा इवन आता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिटरमाइन सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। इनको हमने रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। 157, 376, 413, 524, इनमें हमने 22 को ऐड करना है। क्वेश्चन है सेकंड, 157, 376, 413, 524। अब देखो हमें पता है यहाँ 7 है, यहाँ पर 3 है लास्ट में, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 समथिंग आएगी, तो इन दोनों के 6 + 4 एट लास्ट इन दोनों को ऐड करना और इन दोनों को ऐड करना है, तो ये इन दोनों को ऐड करोगे तो 570 और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 900 आएगा। फिर आपने इन दोनों को ऐड करना, 570 + 900, 1470 ईजिली ऐड हो जाता है ऐसे। अब जैसे 20 सेकेंड क्वेश्चन है, 23 + 4 = 46, 377 + 54, इट मीन्स अगर 23 और 377 को हम कंबाइन कर लेते हैं और 446 और 54 को हम एक जगह नोट कर लेते हैं, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 400 बन जाता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 500 बन जाता है, 400 and 500 = 900। सेम थर्ड क्वेश्चन है, 4001 3768 and 2999 1232, इनको ऐड करेंगे। अब देखो 4001 + 2999 और 3768 and 1232, इनको एक जगह नोट करें। इसमें वन ऐड करेंगे तो ये बन जाता है हमारा 3000 + 4000, ये बन जाता है 7000 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5000 और 7000 + 5000 = 12000। ये इजी मेथड होता है रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, इनको इजीली ऐड कर सकते हैं हम 12000। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैजिक स्क्वेयर इज एनी अरे नंबर्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ द रो एंड कॉलम एंड द सम ऑफ द नंबर्स इन द ईच रो एंड कॉलम एंड डायगोनल्स बीइंग सेम, फिल इन द ब्लैंक सेल टू कंप्लीट द मैजिक। इन्होंने बताया कि इन सभी का नंबर्स का ऐड करोगे, रो वाइज ऐड करोगे या कॉलम वाइज ऐड करोगे, इन सभी का जो सम है वो सेम है। जैसे इसमें जो कंप्लीट है उसको चेक कर लेते हैं, जैसे डायगोनल है ये, इसको अगर हम 18 + 19 + 20 + 21 + 22, इनको जब ऐड करोगे तो इनका एडिशन जो आएगा वो 100 आ जाएगा। ऐसे इधर से भी ऐड करोगे तो इनको भी ऐड करने के बाद इनका भी जो सम आएगा वो 100 आएगा। इनको ऐड करोगे जो गिवन में है, इनका भी सम आएगा तो वो 100 ही आएगा। तो इट मीन्स आप जो रिमेनिंग है जो आपके पास
ये ब्लैंक हो रहे हैं, इनको आपने फिल करना है। इनको कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इन सभी का जो सम है, इसको D1 लेते हैं, डायगोनल ले लेते हैं इसको D1। ये कॉलम C1 है, कॉलम C2, कॉलम C3, कॉलम C4, कॉलम C5, ये रो बन जाती है, रो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। D1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो 100 आता है, तो D2 की वैल्यू 100 ही आती है फ्रॉम द C1। C1 से हम देखेंगे, C1 ये है हमारे पास फर्स्ट। इन सभी का जो सम करेंगे 24 प्लस, इसको हम A ले लेते हैं, यहाँ पर 11, 17 एंड 18, 24 A प्लस 11 प्लस 17 प्लस 18, सभी का जो सम है वो 100 आएगा, इनमें गिवन है सेम है। इन सभी को ऐड किया, 70 आया है, तो A प्लस 70 इक्वल टू 100, 100 माइनस 70 तो क्या आंसर आ गया, 30। ऐसे ही अब हम R2 से ले लेते हैं इसको, रो फर्स्ट ये वाले, इस लाइन को ले लेते हैं, इसमें ये प्लस ये प्लस ये नंबर, इन सभी का जो सम है वो 100 के इक्वल है। 24 प्लस उसको जो बॉक्सेस खाली है उसको हम B नोट कर लिया, 8 प्लस 15 प्लस 22 इक्वल टू 100। बी एच डी, इन तीनों का जब सम फोर्थ के नंबर का सम करोगे तो 69 आएगा, और 69 उधर चला जाता है तो ये 31 आ जाएगा। ऐसे ही R2 से देखोगे आप, A प्लस 12 प्लस 14 प्लस 21 प्लस E, ये 100 आ जाएगा। इनमें से आपके पास A की तो वैल्यू स्टार्टिंग में आपने निकाल ली थी 30, ये यहाँ पर पुट करेंगे, और E की वैल्यू हमारे पास 100 माइनस 77। तो इस टाइप से आप सभी जो बॉक्सेस हैं आपने इसको ऐसे नोट करना है, C1, C2, C3, C4, C5, ये डायगोनल हो गया D1 एंड D2, और ये R1, R2, R3 एंड R4 एंड R5 आ जाएंगे, तो आपके सभी पास जो रिजल्ट हैं सभी के आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐड द फॉलोइंग एंड चेक बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स, इनको हमने चेक करना ऐड करके, कैसे, जैसे 325 प्लस 4964 में 4964 को ऐड करना है, जब ऐड करेंगे 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 3 12, कैरी 1 आएगा तो 5, और वन टाइम हमने 4964 में 325 ऐड करना है। अब इसको चेक करोगे कि 325 में 4964 ऐड कर लो, या फिर 4964 के अंदर आप 325 ऐड कर लो, तो रिज़ल्ट दोनों का सेम होगा। ऐसे ही आपके पास सेकंड पार्ट है इसका, ही 3529 में 741 को ऐड करोगे, या फिर 741 में 3529 को ऐड करोगे, तो रिज़ल्ट दोनों का सेम आएगा यहाँ पर। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है, सेम है हमारे पास ही। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, डू द फॉलोइंग कैलकुलेशन बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट का मीनिंग हमारे पास ये होता है कि इजी मेथड से इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है 34, 35, 36, 37, 65, 63, 64, 66। इनमें जैसे 34 में हमने 66 को ऐड कर दिया, 35 में 65 को ऐड किया, 36 में 64 को, 37 एंड 63 को ऐड किया, ये इन दोनों का सम 100, इन दोनों का सम भी 100 आ गया, इन दोनों का सम भी 100 आ गया, इन दोनों का सम भी 100 आ गया, तो रिज़ल्ट कितना आ गया आपके पास, 400। ये इजी वे होता है ऐड करने का। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके बेटा, थैंक यू।